अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने ऐसा फार्मूला जिससे आपके बाल गिरना, टूटना और झड़ना सब ख़त्म हो जाएंगे। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जिनके बाल बिल्कुल रूखे रहते हैं और शाइन नहीं करते, तो उनके लिए बहुत ही आसान और सबसे सस्ता फार्मूला है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा फार्मूला कैसा लगा। जो मैं टिप्स बताती जाऊँ तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ख़ास तौर पर वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और चले शुरू करते हैं, आपको सामने बताऊँगी और सब लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। ये देखें, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये अलसी के बीज है, मार्केट से आराम से मिल जाते हैं। ये 2 चम्मच अलसी के बीज गर्म पानी में मैंने डाल देने, 1 गिलास गर्म पानी मैंने ले लिया है। इसको पकने के लिए रख देंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। देखें पानी खुश्क हो रहा है, पानी जैसे खुश्क हो जाएगा तो हम इसको सिर्फ 2 चम्मच के करीब, 3 चम्मच के करीब पानी बचेगा तो हम इसको निकाल लेंगे छन्नी की मदद से। उसके बाद चम्मच इसमें चलाते जाएंगे, जितना भी इसका लेस होगा और जितना भी इसका लिक्विड होगा सब हम इसको छान के निकाल लेंगे। तो उसके बाद हम इसको सब, ये देखिए मैं चम्मच चला रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह ही निकालना है आपने। और इसके बाद हम जब निकाल लेंगे तो ये जो बीज हैं इसके ज़ाया नहीं किएगा, ये काम के हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए अंडे की जर्दी है, ये अंडा नहीं है। अंडे की जर्दी को हमने फेंट लेना है और उसके बाद इसमें ऐड करना है। सिर्फ अंडे की जर्दी ही लिएगा, पूरा अंडा यूज़ नहीं किएगा। इससे आपके बालों में खुश्की ख़त्म हो जाएगी और शाइन बहुत ज़्यादा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको किसी भी सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए 2 चम्मच के करीब इसमें ग्रेसलीन जो मार्केट से मिल जाती है वो डालिएगा इसमें। ग्रेसलीन बहुत अच्छी शाइन देती है और ख़ास तौर पर जिनके बाल काले सफ़ेद होने लग जाते हैं उसके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। 3 चम्मच के करीब मैं इसमें एलोवेरा जेल डालूंगी। अगर बस आपके पास ओरिजिनल एलोवेरा हो तो आप ओरिजिनल एलोवेरा भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसको फेंटने के लिए रख दूंगी, फेंटती जाऊंगी और इसको कम से कम 5 मिनट फेंटने के बाद इसको किसी भी बोतल या किसी भी चीज़ में जार में निकाल लिएगा। और ये कम से कम हफ्ते में 2 बार किएगा, इससे आपके बाल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और ख़ास तौर पे ये ओरिजिनल चीज़ें हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है। उसके बाद ये जो बीज हैं हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको अपनी स्किन पे लगाएंगे, फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, किसी भी जगह लगाएंगे। तो आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगी कि इसका क्या प्रूफ है। ये देखें अभी सिर्फ मैं इसको हल्का हल्का रब कर रही हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हफ्ते में रोज़ तो नहीं कर सकते लेकिन हफ्ते में 2 बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे ये उन लेडीज़ के लिए जो किचन का काम करती हैं, जो बाहर जाती हैं, जिनकी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही मुफीद है ये। और ये इतनी महंगी नहीं मिलती अलसी, अलसी के बीज बहुत ही सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं। ये देखिए प्रूफ दिखा रही हूँ मैं आपको, मेरे उस हाथ में मैंने नहीं यूज़ किया और इस हाथ में यूज़ किया है, तो किस तरीके का रिज़ल्ट आया इसका। बहुत ही बेहतरीन लोशन है, मिलेगी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।